You need enough time to succeed or fail. और भाई जब वो लाइट उन्होंने मेन लाइट बंद की है और जो मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो फील. So these are the things that will be with you till you die. चलिए भाई दो स्लिप मैंने भाई जज्बा तो कंट्रोल रहा. <laughs> इतना भी स्विंग नहीं हो रहा है कि तीन तीन स्लिप लगाके खटनालू <laughs> में बहुत. जी के मीट जी टी पॉडकास्ट टूडे आई है आपका स्वागत है आप बिल्कुल अच्छा, अब मैं आपको कपूर साहब बोलूंगा आप मुझे कपूर साहब मत बोलिए ठीक <laughs> है अच्छा आपको जब पहला फोन आया या आपकी एसोसिएशन यहाँ पे कब से या आशू के साथ कब से शुरू हुई आशू के साथ तो बहुत टाइम से एसोसिएशन है विद Yeah. छः साल वहां थे एक साथ ऑलमोस्ट फोर फाइव इन एंड आई गोट क्लोज आई न्यूम बी एंडलीस्ट टू इयर्स वी बी इन टॉकिंग कोई टीम लेट्स वर्क yeah. बनाते हैं एक टीम तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जब नई टीम आई आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई राइट दिस इज वो जो

घुसना नहीं चाहता कि हाँ मुझे टीम की सारी प्लानिंग जाननी है टीम क्या कर रही है प्लेयर क्या कर रहे हैं जैसे एक जैसे और फ्रेंचाइजीज में थोड़ा थोड़ा सा टेंस होते हैं जानने की कोशिश करते हैं वन वन बात करते हैं वैसा ऐसा कुछ है ही नहीं यहां पता ही नहीं चलता बेस्ट लीव द वर्क टू द प्रोफेशनल्स प्लेयर्स के लिए कितना फर्क पड़ता है ये जो हम माहौल की बात करते रहते हैं और इस पॉडकास्ट में भी पूरे सीजन में माहौल की बात बहुत हुई है माहौल की हम बहुत बात करते हैं ज्यादा ही बात कर जाते हैं उसके ऊपर लेकिन माहौल एक हमारे अंदर होता है जैसे फैमिली ले लो कोई भी हो एक फैमिली ले लो क्यों उनका क्या कल्चर है उनको कैसे सिखाया जाता है फैमिली में कैसे बच्चे को बड़ा किया जाता है माहौल तो असली में वही होता है लेकिन यहाँ सब अलग अलग से आए हुए हैं yeah. और वो फिर एक फैमिली बना रहे हैं hmm. तो वो एक अलग ही चीज़ बन जाती है क्योंकि जो हमारा बाउंडिंग एक दूसरे के साथ है कि हर अलग स्टेट से आकर हर अलग कंट्री से आकर आप एक ऐसी टीम में आए हो जिसको प्लेयर्स को ऑनर्स का नहीं पता है या yeah. इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ माहौल की बात होती है <laughs> <laughs> क्योंकि हर जगह से लोग आ रहे हैं खेलने के लिए अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं हर कल्चर के हैं लेकिन यहाँ आकर एक ऐसा सेटअप है सबके साथ कि मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ अनबन होती है या yeah. या कोई मतलब रूड भी कोई बात करता है या कुछ ऐसा करता है वो माहौल है कितना मतलब सेट हो गया है दूसरे का बिहेवियर हम्म hmm. क्या हाँ भाई सब खुश हैं एक दूसरे के सक्सेस पे या दैट इज आई थिंक शेन वॉन वन सेड यू नो somebody asked him uh, what do you think about magell or something he said I want him to do well always because if he does well, I want to do better than him. Wow. And that's going to improve my my bowling and my cricket. Yeah. So that is what, I mean, if Shami is getting raids, it's batsman, bowler, everybody's happy. If someone is getting runs, if Miller is getting runs, first two, three matches, he didn't get batting. Utni aini or nay But the day he got, everybody was so happy for him. Yeah. When Sai Sudarshan got an innings last. फर्स्ट दो तीन मैच खेला It's एक दो जिताए फिर नहीं बनी जगह टीम में फॉर रीजंस कॉम्बिनेशन जब वो कल खेला है सारे वेट कर रहे थे ये बनाए रन wow. क्योंकि उसने इतनी मेहनत की हुई सब देखते हैं बट चीज़ बट वही है ना कि माहौल की जब हम बात करते हैं माहौल ऐसे नहीं कि एक जन ने बनाया है yeah. क्योंकि कोचिज का सपोर्ट स्टाफ का बहुत फर्क पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर जो back of the mind रहता है कि हाँ, ये बंदा मुझे प्रेशर कर सकता है या मैंने रन नहीं किया तो ये हो सकता है, है, जब भी देखते एक है, होता है ना कि हम हाँ कंधे में हाथ मिला के चल रहे हैं भाई नहीं हुआ ना नहीं हुआ अगले मैच में करेंगे तो वो ऐसा सेट हुआ है कि पूरे दोनों सीजन माहौल की ही बात हो रही है और उसका आपको रिजल्ट देखने को भी मिलता है हालांकि ये खुद एक सपोर्ट स्टाफ में है तो ये नहीं बोल सकते लेकिन इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि सपोर्ट स्टाफ का कितना बड़ा रोल रहता है इस चीज़ के लिए या ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मैच के बाद कभी ऐसा नहीं होता कि अरे यार क्या हो गया कि कोई बात नहीं चलो अगले मैच में देखेंगे किसी भी मैच में फर्स्ट सीजन में ऐसा हुआ शायद क्योंकि इंसान है गुस्सा तो आ ही जाता है कभी कभी पहले सीजन में कभी भी किसी मैच के बाद हुआ जब थोड़ी गर्मा गर्मी नहीं है? गर्मा गर्मी नहीं थी है? एक बार हुआ था जो हार्दिक का थोड़ा थोड़ा रिएक्शन सा गलत हो गया था तो मैं उसको वही बोला था मैंने भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैनेजमेंट भी आया था मेरे पास मैंने देख मैं तो बोलने वाला इंसान हूँ नहीं मैं मैं किसी से मुझे मतलब है नहीं मुझे अपनी जॉब से मतलब है मुझे अपने काम से मतलब है लेकिन मुझे गंदे रिएक्शन मुझे स्क्रीन पर नीचे है क्योंकि आप कुछ कहो मैं कुछ कहूँ फिर टीम का वो माहौल फिर वो माहौल बात आ जाती वापस yeah. तो वो क्रिएट नहीं करना है yeah. तो वो मेरे करता है बहुत ज्यादा मतलब पहले से तो आप, yeah. तो, तो आप, आप मुझे जानते हो वो मेरा बस उसमें निकल गया आप जो सजा बोलो वो मुझे तैयार है लेकिन मानना पड़ेगा उस दिन के बाद मुझे नहीं लगता उसने कोई रिएक्ट किया है ना कि कभी कभी

what i told nehra was last year because i was in a bubble for the first time in my life yeah but these guys were playing international cricket they were going in different bubbles they knew what it is i didn't know what a bubble was <laughs> it was the most enjoyable two months i've had in my life really yeah? yes i mean he would have been in many bubbles before that i don't know because a room was there on this floor and there were steps down to the team room you would find at least fifteen guys in the team at any given point in time, from Se till And what else do you want for team bonding? And for a team like us, which was a new team where yeah. we needed everyone to get together, if there was no bubble to get them together, yeah. have the team dinners, that one odd dinner here, one odd. But no, there the guys were playing pool, they were playing table tennis, they were sitting and playing different uh, games Ooh. there's a game called mafia <laughs> yeah. and this, uh. even rashid khan would come and sit and play that game you know so th that kind of a atmosphere was created food was kept and people would come eat matlab it was you just walk in it was your club kind of a thing yeah, over yeah. there and the best part was we never felt like a new team mm. over there and that was the start. That bubble was the most important thing for our team, I oh. believe. Now, if Miller comes there, I've not met Miller before, I've seen him play, but I don't know who Miller is. Yeah. But if he's sitting there every day, yeah. he's talking every day 10 minutes, 15 minutes, you get to know about him, he gets to know about you, he's comfortable with you. That is also important for players to be comfortable with the support stuff. Yeah. Sometimes they're not very convinced. कि वो मेरे But जब वो मैं रन नहीं बनाऊंगा तो ये बात क्या करेगा तू आई आस्ट हिम वन टाइम मिला यू नो वाई यू गेटिंग रन्स ये सर आई फर्स्ट सेयर्स यू गॉट टेरिफिक रन देन देर वॉज अ नाइन ईयर कैप और टेन ईयर गैप नाउ यूर गेटिंग रन यूर द सेम मिलर राइट यूर गेटिंग ओल्डर यू शुड बी गेटिंग लेस रन नाउ तो कहते हैं नो आई डोंट नो but you should think now why are you getting runs? Yeah I said I I was thinking why are you getting runs and could this be the reason? In our team, there is no backup for you. Oh, we wow. don't have another backup batsman. If you fail, you still play. you know that. yeah right? Mm -hmm. And maybe you are that kind of a person where there are too many people behind you. You come under pressure. Yeah. Now you know I have to go bat and score run because you know even if I don't get run, I'm going to still play. And that gives you confidence probably to score run. He yeah. said maybe. But ये you think about this thing. It's such a simple thing to think of, right? कि आप अगर लोग चीक चीक के पागल हो गए हैं कि अच्छा क्या हुआ कप्तान ने कहा मैं 14 मैच खेलूँगा कप्तान ने कहा मैं 14 मैच खेलूँगा मैं पूरा सीज़न खेलूँगा सब कहते हैं फिर भी टीमें हैं

वो भी टीमें हैं जहाँ एक मैच में, दो मैच में में दो कुछ नहीं किया तो कोई और बंदा आके मेरी जगह ले लेगा और इससे तो कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस निकलेगी इतने प्रेशर में नहीं ऐसा आप कहीं भी रिजल्ट मतलब रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ आप दो मैच के लिए इस बंदे को लाओगे चार मैच के लिए उस बंदे को लाओगे कोई गारंटी नहीं है कि आपका कोई भी बंदा आपका परफॉर्म करे चाहे कैप्टन हो आप कैप्टन को बोल दो आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आप कैप्टन नहीं हो तो ही नहीं होगा क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है कि आपके आप पे ट्रस्ट है नहीं है क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक आपका परफॉर्म नहीं आएगा आया अब विजय शंकर था लास्ट ईयर टीम खुद बैठा हूँ यहाँ पे क्योंकि के में, में तीन साल था पांच okay. साल में दिल्ली में था जब आप रेगुलर नहीं खेलते हो तो बहुत सारी हैं जो नहीं करने की वो मैच में में कर जाते हो हो आप आप तो 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 जो ट्रैक आपका है है ही नहीं आप उस चल देते हो. तो रिजल्ट अपोजिट आएंगे आएंगे पंजाब hmm. पंजाब ने रेगुलर तो पंजाब में yeah. रेगुलर खिलाया मैंने परफॉर्म किया पर खेल रहा हूं अन नोन पीपल आर डूइंग दिस कोचिंग जॉब जिन्होंने खेले नहीं हैं वो ऐसी चीज कर रहे हैं समझ आती है टॉप क्रिकेटर्स कोच बने हुए हैं उनके साथ भी ये सब हो चुका है लाइफ में hmm. वो भी जानते हैं कि हम भी फेल हुए थे हमको भी मौका चाहिए यू नीड इनफ टाइम टू सक्सीड और फेल दिस इज माई ग्रेट लाइफ एंड दिस आई साइड वैन आई वॉज प्लेइंग

दिये और फिर मिडल ऑर्डर से ओपनिंग का भी दिया बैक कराया फिर बोला कि गो exactly. खुद कहता ना, मैंने कहा था कि आप मेरे को जितना भी है उसका कॉन्फिडेंस अगर प्लेयर्स के ऊपर है तो प्लेयर भी कर कर देगा yeah. क्योंकि आपने अगर उसको बाय किया है तो मतलब आपको पता है उसके क्या क्या पोटेंशियल है क्या क्या उसके अंदर कितना जूस है तो अगर आप उसको लेने के बाद अगर आप ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपने यूँ फेंका और वहाँ पर जाके गिर गए टारगेट पे हिट हुआ है ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि सारे अगर तुमने ग्यारह प्लेयर भेजे तो मुश्किल से तीन या चार क्लिक होते हैं या। बाकी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको क्योंकि ऑन ऑन एवरेज रह जाते हैं बाकी लोग तो एक या दो परफॉर्म अच्छी होती है बाकी दो तीन सपोर्टिंग होते हैं बाकी तो भेड़ा चल रही है झुंड में <laughs> वैसे ही होता है ना यू सी साई सुदर्शन ही वन टू गेम्स आफ्टर द थर्ड गेम ही प्ले अब वो प्लेयर आठ नौ मैच नहीं खेला वो इक्कीस साल का लड़का है लास्ट मैच जब खेला है वो डर के नहीं खेला क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है मैं ड्रॉप नहीं हुआ था yeah. वो टीम का एक कॉम्पोजिशन है जिसमें मैं बैठ नहीं रहा हूं क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस कराते हैं हम वो दो दो घंटे बैटिंग करता है अगर वो पार्ट ऑफ द सिस्टम नहीं है उसको और तुम बैटिंग भी नहीं कराओ नेट में और बिठा भी दिया है तो उसको लगेगा यार मैं बिखर जाएगा बिखर गया हूँ। वो सबसे ज्यादा बैटिंग करता है या।

सब हो गया खाना वाना सब हो गया अब ये बता दो पहली बस कब जाएगी yeah. क्योंकि तीन से छ हो जाए सात हो जाए के वो मिनट मिनट तू तू कर कर ले कर ले अरे तू भी आ जा और दूसरी बार फिर बैटिंग आ जाती आ, है कहीं की आ, और साई सुदर्शन तो भाई, नहीं मतलब दो ढाई घंटे हर रोज बैटिंग की है उसने जब वो खेला नहीं है सो तो ही एक दिन उसका लाइट बंद हो तो गई थी ये ये भी 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 हुआ हुआ है है सेंटर पर बंद बंद कर <laughs> <laughs> बंद कर ग्राउंड में <laughs> घर घर जाओगे निकलोगे हमने जाना दी बोला नहीं ढूंढ रहे थे तीन से ग्यारह बज गए अब तो चलो घर तो ये जो जब लोग बात करते हैं और इतना एनालिसिस होती है कि मोहम्मद शमी का जो वाइट बॉल करियर है

एग्जीक्यूट करने को देखोगे ग्राउंड में अगर ये चीज़ें पहले नहीं है तो फिर एग्जीक्यूट भी नहीं होगा क्योंकि दिमाग में पहले से बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो सारी चीज़ का एक पैकेज बनता है उसी से एक आदमी बनता है वही एक परफॉर्म करने ग्राउंड पर उतरता है hmm. अगर आप उसको टेंस करके भेज दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप रिजल्ट पाओगे वहाँ पे yeah. तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने अपने आप को जानो अपने स्किल को जानो उसके हिसाब से आप वर्क करो मुझे नहीं लगता जीटी में मुझे इन दो सालों में किसी ने कोई एक वर्ड भी बोला है किसी चीज़ के लिए Yeah. क्यों क्योंकि तो मैं जानता हूं कि मुझे कब करना है अगर मेरी कोई चीज खराब है मैं उस पर वर्क करने के लिए जाऊंगा yeah. तो मुझे पता है मुझे कब मुझे पावर देना है कब मुझे स्ट्रेंथ लेना है कब मुझे रिकवरी करना है वो आपको अगर पता है तो आप बेटर रिजल्ट कर सकते हाँ <laughs> <laughs> पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ बट इम्प्रेस हुए कोच हुए नहीं नहीं ठीक डालता है अच्छा? बट ये कह रहा था कि मेरी बोलना ऐसे जा रही है थोड़ी धीरे जा रही है मैंने कहा हाथ को ऐसे रख के ऐसे रख के मत डाला ऐसे। हाँ हो रही तेज जा रही है मैंने कहा बस ये करता है तेरा फ्यूचर पेस बोलिंग के बाद लेग स्पिन काम करेगा वो आशु कहता था ना कह रहे मैं चालीस तक करूंगा पेस अच्छा बोलिंग

अब देखो आप मुझे बैटिंग पर ट्रस्ट नहीं दिखा रहे हो तब के नहीं बैटिंग भूल गए लॉर्ड्स में इंडिया को जिता के लाया था टेल मी द स्टोरी अबाउट नूर क्योंकि आप स्काउटिंग मतलब कब से करते आ रहे हो बी डूइंग स्काउटिंग फॉर सो मेनी इयर्स डोमेस्टिक लेवल पे एज एज ग्रुप लेवल पे ये जो अभी मैं सुन रहा हूँ कि uh, आपकी जो डिस्कशन हुई थी आशीष नेहरा के साथ के कुछ चीज <laughs> को लेना ले ले पर ये एक मुझे चाहिए हुँ. इस बात में कितनी सच्चाई है और कैसे हुआ बताइए सच्चाई है नहीं? पूरी सच्चाई है ना सो हमें बताओ ना प्लीज सारी बताओ है. ना कहानी तो इसको बार बार देखूँ हमारे इंडियन अंडर नाइनटीन में लेफ्ट बहुत होते थे और इसकी अंदर आती थी बॉल hmm. थोड़ा टर्निंग ट्रैक मिलता था वो इधर खेलते थे पैट पे खाते थे आउट हो जाते थे खा, दे, हाँ, भाई मैं पिछले चार साल से जब भी ऑप्शन होता था जैक को लक्ष्मण को विराट को तो एक बार मिला था तो उसको भी फिर बोला ऐसे तीन चार जिनके साथ खेला हुआ और जिनको क्लोज हूँ नेहरा को आर में जब था जब भी ये संदीप भी था वीडन इन सबको मैं मैसेज और मैसेजेस हैं अभी भी डिलीट नहीं हुए हैं निकालो नूर को ले लो वो कहते थे कोटा खत्म हो गया है कभी कोई कहता था ये हो गया है अरे नहीं कौन है नूर मैंने कहा ले लो ले लो अब हमारी टीम आ गई मेरे को पता है किसी ने लेना तो है नहीं तो मैंने कहा भाई तेरे को जिसको लेना है ले मैं एक प्लेयर लूंगा फॉर्नर है वो भी इंडियन होता तो प्रॉब्लम नहीं है yeah. फॉर्नर में आठ ही ले सकते आठ ही अलाउड कहता किसको ले। मैंने कहा वो एक स्पिनर है कह रहा राशिद खान है मैंने कहा नहीं इसको भी लेना ये एक और लेना है मैंने फिर मैंने वीडियो वीडियो दिखाई उसको ये देख देख के अच्छा ले ले मुझे तो और ले लेते तीनों हो जाते फाइनल याद है पिछले साल का उसके पहले और फाइनल के थ्रू क्या इमोशन था क्या फीलिंग थी कुछ बताओ भाई वो फीलिंग मुझे नहीं लग मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन uh, नहीं हो सकता क्योंकि जब हम लोग ग्राउंड uh, पे पहुंचे थे परफॉर्म हो रहा था क्लोजिंग yeah. वाला yeah. तो एक लाख एक लाख बोलते हैं ना कि एक लाख की कैपेसिटी है जब मैंने स्कोर बोर्ड पे देखा तो एक दस पार हो चुका था वो <laughs> और जब हम बाहर आए थे ना तो लाइन बहुत दूर बंद की है और जो, मतलब नहीं कर सकते वो फील जब टॉस हो रहा था ना तो फिर ऐसा था कि बैटिंग आएगी बॉलिंग आएगी जब टॉस हो गया ना कि अब ये डिसाइड हो गया है <laughs> कि अब भाई शुरू हो जाओ फिर तो प, 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 सब उस दिन मैंने ज्यादा लड़कों को बात करते हुए नहीं देखा yeah. हाँ उस दिन लड़के ज्यादा बात नहीं कर रहे थे वैसे ही yeah. yeah. थोड़े से बाहर को आए थे yeah. और फाइनल मैच पहली बार के हाँ पहली फ्रेंचाइजी आई है फर्स्ट ईयर okay. में आकने के बाद आपको फाइनल मिला है और फाइनल में फिर ग्राउंड तक ठीक थे सब जैसे वो टॉस का टाइम आया ना जब वार्मअप वाला आया तो थोड़ा सब सीरियस थे थोड़ा एक दूसरे मुझे लग रहा कि अपने अपने परफॉर्म को लेकर सोच रहे थे अपने अपने मतलब जो प्लान्स थे तो लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई लोगों की उस दिन मैं करने की कोशिश कर रहा दो चार से तो थोड़ा सा जोन थोड़ा टाइट वाला था <laughs> <laughs> लेकिन जब जीते हैं भाई अलग ही माहौल था यार क्योंकि फर्स्ट टाइम फाइनल खेल रहा था मैं आईपीएल फाइनल नहीं खेला था हालांकि yeah. yeah. नहीं थे hmm. मैं जो फीलिंग था वो भाई। सच में हर चीज हर हर बॉल पहली बार मैंने ऐसे सोच के डाल रहा था मैं कि यार कोई गलती ना हो जाए hmm. हर बॉल पे दिमाग में इतना टाइम मिल रहा था कभी मैं वापस जाते हुए ज्यादा सोचता नहीं हूँ yeah. जो मोमेंट चल रहा है उसी पे अपना फ्लो में जाता हूँ मैं लेकिन उस दिन मैं वापस आते हुए हर चीज़ सोच रहा था मैंने यार ये वहाँ पे स्ट्रोंग हो रहा है ये शॉट ना मार दे ये ना हो जाए तो दिमाग में वही चीज़ें चल रही थी गलती ना हो जाए जाएंगिक hmm. कुछ पता नहीं मैंने कहा इस पर बाउंस रेड सॉ पे तो होगा और ये जैसे खचपच होती रहती है और और शाम को ही रात का मैच है सो वी हैड अ कैंप हियर एंड देन वी वेंट टू बॉम्बे तो उसमें दिख रहा था कि पेस बॉलर का कई दिन तो जाता है बॉल तो मैं पहले बॉलिंग करनी चाहिए इस पर लेट्स चेज क्योंकि विकेट का उनको आइडिया ही नहीं होगा हम तो फिर भी पंद्रह दिन खेले इसपे सो yeah. so, अगर वो जल्दी एक दो विकटे तीन चार इंपॉर्टेंट बाटलर आउट हो गए तो वी हैव लेस स्कोर टू चेज एंड वी आर चेजिंग एंड विनिंग अनबिलीवल दो बॉल में तेरह रन भी जीत गए हम लोग तो तो हम लोग चेज तो हम कर लेंगे पहले बैटिंग का जे हो जाएगा हमसे सो वी वन द टॉस वी गॉट बॉलिंग हम, uh, so, हम लोग और उसके बाद फिर जैसे जैसे विकटें गिर रही थी

<laughs> मैं वो लैंग्वेज भी नहीं बोल कर पाऊंगा यहाँ बोल दो बीट बीट कर देंगे <laughs> इमोशन भी आओ निचोड़ रहे हो उन्होंने बोला तीन तीन महीने से निचोड़ रहे हो निचोड़ रहे हो मार रहे हो मार रहे हो अपने आप को वो ट्रॉफी आ गई हाथ में जब आप ट्रॉफी के साथ फोटो भी ले ली आप फिर सोचो एंटी क्लाइमैक्स अब क्या इट्स इट्स एंटी क्लाइमैटिक राइट बस ये इसके लिए खत्म बस खत्म हो गया देने से What is this? I mean, you've gone through three months, you got the trophy, and then you feel yeah, yeah. Then you then you come back to life, normal life. Yellow pakro trophy. But it's always the journey that you remember. It's the journey, not the destination. It's not that final moment that you Whoa, you will remember that. Of course. But your journey up the yeah you know, journey. Yeah. और ये याद रहेंगी कि ये किया था हमने ये किया था मैंने मिलर से वो बात की थी मैंने जैन से वो बात थिंक so अभी इसी, पे, इसी कमरे में आई थिंक चार या पांच लोगों ने कि आप इतना वो उस मोमेंट के लिए जाते हैं कि हमें ट्रॉफी जीतनी है हमें टाइटल जीतना है हमें ये सब आप जैसी ट्रॉफी उठाते हैं और फिर जैसे आप अगले बंदे को देते हैं आप <laughs> <Okay, done. laughs> That's it. ये हमारे साथ भी हुआ है सेम yeah, फीलिंग कभी कभी समझ नहीं आता है बट yeah. वो खुशी का पल वो मोमेंट ऐसे होते हैं कि आदमी बाद में जब जब हो डन हो जाता है ना फिर जब ड्रेसिंग रूम जाते हैं हो हा हो हा करके हो जाता है फिर चलो भाई नेक्स्ट है <laughs>

Main thing is uh, he was a new captain, he had to learn a lot. Hmm. And he would listen to what Nara is saying. Yeah. That's an important thing. Just he said because, so. He said so on the podcast. Also. So that is that is the point. Some people who have like some big players, they have their ego, you no, know? I'm the captain. I will not listen. I will do what I want. That's why the problem then Arises, but here there was that case wasn't there because what Nehra used to say, he used to follow to the yeah. point, and that became easier mm. for him and for the team as well. Yeah, so if he has doubts, he will just look at Nehra and I, he, yeah, Nehra would say, Okay, do this or do that. And things are pretty smooth. See, there's not everybody can be a doni, simple as that. Yeah, if doni is there you can't have nehra as a coach yeah you don't need anyone outside then there's confusion mm. yeah correct that balance is very important right mm. so it is better to have a brainy captain and a guy who can man manage yeah Or a guy who's good at but his they, game their, their skill should complement each other exactly yeah so mm -hmm. that way i think it has been a great uh, combination yeah of nehra and hardik where he knows How to play and then he keeps taking his feedbacks and he's growing as a captain. Yeah. He's just started captaincy so yeah. he's growing as a captain. आदिक ने यहाँ पे इसी podcast भी यहाँ पे बोला था कि पहले match में मैंने पहला over तो decided था I think you bowled the first over पहले match में कहता बताता कि uh, पहला ओवर हो गया कहता मैं भूल गया दूसरा किसको देना था <laughs> 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 मुझे याद ही नहीं इतनी कंफ्यूजन confusion कहता मैं बाहर भाई को देख रहा हूँ और video unlist जो हमारा <laughs> संदीप

that is the best part about hardik सबसे अच्छी चीज उसकी यही है कि उसका ईगोड नहीं होता सामने वाले को बोल देता है अरे मेरे को नहीं पता आप बताओ एक्सीलेंट ऐसे तो सीखते लोग वो चीज उसके अंदर बहुत अच्छी है थोड़ी शर्म नहीं है कोई भी चीज उसको सबकी रिस्पेक्ट मेरे को नहीं आती इंग्लिश हाँ। मेरे को नहीं आती ये पढ़नी मेरे को ये नहीं आती खुद बोलता रहता है सब जगह मैं ही इज क्लियर मेरे को नहीं आता मेरे को नहीं आता यहाँ या। पे जब उसने बोला है पॉडकास्ट पे ये कहानी सबने सुनी अब इंटरनेट पे भी लोगों ने इसे सबने सुनी सब और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको क्योंकि कोई बोलता नहीं है ऐसे सब कहते हैं अरे मैं तो पैदा ही हुआ था ये करने के लिए मेरे सब ये ऐसी तो सीखोगे आपकी जे सबसे हंसी की बात पता क्या होती है कभी कभी मैं ब्लफ करता हूँ हाँ सेटअप किया हमने बाउंसर की फील्ड योरकर मार दी तो मुझसे कहता है, है क्या प्लान है मैंने ब्लफ कर रहा हूँ समझ गया <laughs> इतने का समझ गया लालच देख के थोड़ा सा <laughs> मैंने हाँ ठीक है ब्लफ हो रहा है ध्यान रखना बोला हाँ ठीक है <laughs> एक दिन मैंने इसको बोल नहीं भूल गया ये सीधा ही नहीं हुआ जब मैं ब्लफ करता हूँ <laughs> हाई उल्टा करने वाला तो ये अगर यार कर रहे तो सीधा हो जाता है अगर मैं बाउंसर मार रहा हूँ तो तू बाहर भी हो जा कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर एक दिन सीधा नहीं हुआ चढ़ पर रख के मारी उसने भी पूरी जोर से बैट मारा तो बॉल मेरी बराबर से गई अभी से कूदना पड़ गया तो कह रहा मुझसे तो ब्लफ मत करो <laughs> 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 बोल तो देते अरे मैंने भूल गया यार <laughs> जाने से पहले दो तीन क्विक सवाल जो पूछना चाहेंगे जो हमारे जीटी के फैंस जानना चाहते हैं सबसे

वो एक yeah. है उसके अंदर अभी भी मतलब yeah. वो एक्चुअली इंडियन टीम का कैप्टन है जीटी का तो छोड़ो वो इंडियन टीम का कैप्टन है ट्रू ठीक है yeah. और उसमें जैसे पहले होते थे कपिल देव सुनील गावस्कर जो आप, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ yeah. और हार्दिक पांड्या बचपना अपोजिट

पर्सनालिटी पे भी दिखता है आ, ये बंदा है पर आपके जो तमिलनाडु के लड़के हैं वो तो सारे बड़े शरीफ हैं दो तीन है ना एक साई किशोर विजय सुदर्शन फिर सुदर्शन दोनों साई सपोर्ट स्टाफ को तो छह सात करेक्ट और कौन कौन है सैंडी इज नॉट सैंडी इज इस... फ्रॉम चेन्नई बैंगलोर नरेश भाई आई एम फ्रॉम चेन्नई भाई जब सब एक जगह बैठते न, <laughs> <laughs> तो हैं ना क्लास कन्वर्सेशन होता है तो पंजाबी से कम नहीं है कुछ नहीं है पंजाबी कुछ समझ नहीं आती सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या डिस्टेंस मेंटेन करते हैं आप हाँ। एक स्टेबल पे है और ये तीन टेबल पे बात करेंगे ये छह जन होंगे दो इधर दो उधर दो इधर